जीनोस के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सेशन में हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत जी हमारे साथ हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। न्यूज के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं स्वतंत्रता दिवस की। हरीश रावत जी, पूरा देश इस वक्त देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में पूरी तरह से सराबोर है और आज का दिन सबके लिए बहुत ही फक्र का दिन है, गौरव का दिन है। और आज ये उम्मीद थी कि एक विपक्षी दल की हैसियत से बात नहीं होगी, लेकिन आज फिर ये बात आई कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया वो चुनावी भाषण था और इलेक्शन मोड में रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हरीश रावत जी बचा जा सकता था आज? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अपने भाषण को चुनावी भाषण बना दिया। उन्होंने जिस तरीके से 2013 से कंपैरिजन प्रारंभ किया जो तथ्यों पर आधारित नहीं था, मगर उससे ही ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री जी जो है एक चुनावी सभा का रिहर्सल कर रहे हैं जो 2019 में आयोजित होगी, जहां से वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव के चुनावी भाषण की रिहर्सल के तौर पर उपयोग करने का काम किया। तो उन्होंने खुद ही एक बड़ा लंबा सा उबाऊ भाषण दे करके, जिस भाषण में कोई रोड मैप नहीं है कि देश को कैसे आज जो चुनौतियां सामने हैं उनसे उबारने का काम करेंगे। उन्होंने इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया कि जो वादे उन्होंने देश के लोगों से 2014 में किए, 15 में किए, 16 में किए, उन वादों का क्या हुआ। उसमें से 15 लाख हर खाते में जाने से लेकर के हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों के अच्छे दिन और किसानों की आमदनी दुगना करने से लेकर के आपके महंगाई को नियंत्रित करना, आदि बहुत सारे सवाल उन्होंने देश के सामने उछाले थे। कहा था मैं इनको कर दूंगा, काला धन तो मैं आते ही इस तरीके से मुट्ठी में पकड़ करके ले आऊँगा, और उसी के लिए उन्होंने नोटबंदी तक कर डाली, लेकिन काला धन जो है स्विट्जरलैंड के बैंकों में निरंतर बढ़ता जा रहा है। चलिए हरीश रावत जी, आप कह रहे हैं कि वो विजन नजर नहीं आया प्रधानमंत्री मोदी की देश को लाल किले की, एक सेकंड, जिस समय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, उस समय जो है डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया रसातल की तरफ को जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। ये अपने आप में अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है उसका एक सबसे बड़ा द्योतक है, प्रमाण है। हमारे दोस्त सतपाल जी आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से ही जवाब दे रही हूँ आपके सवाल का। उनसे जरा पूछ, हाँ जी, उनसे पूछ करके देखिए, आज कृषि विकास दर अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर है, 2% से नीचे की कृषि विकास दर है, जबकि हम 4.5% 2013-14 में उनको कृषि विकास दर दे करके गए थे। तो कंपैरिजन भी ऐसा करिए जो तथ्यों पर आधारित हो, जो आंकड़ों पर आधारित हो, जो फैक्चुअल पोजीशंस पर आधारित हो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण, कुछ जुमले, कुछ जो है जोश और कुछ जो है, ठीक है हरीश रावत जी, जी हरीश रावत जी, आपने जो सवाल किया है मैं जवाब ले लूं। सत्यपाल सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और आपका सवाल भी वाजिब है। सत्यपाल सिंह जी और बाबू सुप्रियो जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूं इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल सत्यपाल सिंह जी से है। सत्यपाल सिंह जी, जो बात कह रहे हैं हरीश रावत जी कि 4 साल में ही ये 100 साल का विकास कैसे हो गया, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आप रख सकते हैं, और ये कहना कि 2013 की रफ्तार से अगर हम चलते तो फिर सदियों लग जाते, दशक लग जाते यहां तक पहुंचने में, तो यानी कि सारा जो विकास हुआ है वो क्या सिर्फ 4 साल में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मेवांसा जी, मैं अपनी तरफ से आदरणीय हरीश रावत जी को, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं इस देश के, और जी के सभी दर्शकों का, सबको आजादी की इस 72वीं वर्षगांठ पर सबको बधाई देता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने किए और आदरणीय हरीश रावत जी ने जिस प्रकार से उनका जवाब दिया, एक तो मुझे बहुत इको आ रही है, ये इसको इको ठीक करना चाहिए। मैं ये जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, अगर हम डेटा को देखें, अगर हम लोग 2013 में जिस रफ्तार से सड़क बना रहे थे,
जिस रफ्तार से गैस कनेक्शन दे रहे थे, जिस रफ्तार से हम लोग युवकों को नौकरी दे रहे थे, जिस रफ्तार से जो एयरपोर्ट बना रहे थे, जिस रफ्तार से हम लोग जो हैं किसानों को समस्याओं को जो है हल कर रहे थे, उनकी जो है MSP बढ़ाने की बात कर रहे थे, ये हर एक क्षेत्र में अगर जाएं, चाहे फाइबर उसकी बात हो, केबल की बातें हों, गाँव को जो है डिजिटाइज करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में जिस रफ्तार से काम करे, सबके सामने सच्चाई है, सबके से पिछले 4 वर्षों में एक काम हुआ है। इस बात को कांग्रेस पार्टी भी मानती है, विरोधी लोग भी सब मानते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस देश की जनता इस बात को स्वीकार करती है। जी, और बाबू सुप्रियो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबू सुप्रियो जी, पिछले 4 साल में स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और स्वच्छता मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत से महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन योजनाओं में हमने कितने आगे हम बढ़ पाए हैं, क्या देश ने खोया है, क्या पाया है, और कितनी अभी और गुंजाइश बाकी है? पहली बात तो एक बार और मैं पूरी देश को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहूँगा। इंडिपेंडेंस या फ्रीडम से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ इंसान को नहीं मिल सकती है शायद, और इसीलिए हम पंछियों से इतना जेलस है कि हाउ दे कैन फ्लाई ओवर एनीवेयर दे वांट टू गो। एंड आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग एंड वांटिंग टू गो एनीवेयर, आई थिंक तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि सपने बड़े होने चाहिए, नीयत अच्छे होना चाहिए, और उन नीयत को हासिल करने के लिए नीतियाँ भी जो है अपनी जगह पे होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार से दूर रह के लोगों तक पहुँचाने की बात की गई हो। हरीश रावत साहब जो है हमारे बहुत ही सीनियर लीडर है, उनके सामने मेरा कड़क बातें करना जो है वो भी मुझे थोड़ी बहुत एम्बेरसिंग लगेगी, बट फिर भी हरीश जी आप वही बात कर रहे हैं जो आज से 4 साल पहले या 6 साल पहले या 2 साल पहले आप लोगों को कहते हुए हमने सुना था। ये सब स्क्रिप्टेड है, प्रधानमंत्री जी के भाषण से पहले भी आप यही कहते, उनके बाद भी आप यही कहते, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो तो कुछ और कहती है। जो प्रधानमंत्री जो बात कही है उसमें तो कोई गलती नहीं है, और उसीलिए शायद पोएटिक जस्टिस यही है कि सत्यपाल सिंह जी की जो आवाज़ है वो इको हो रही थी, क्योंकि आप लोग झूठ को बार बार कह के ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि शायद वही सच है, और वो झूठ बार बार बोलने से सच्चाई जो है वो कभी छुप नहीं सकती है, और शायद उसीलिए उनकी आवाज़ जब वो बोल रहे थे कि जिस स्पीड से रेलवे लाइंस बन रही है, जिस स्पीड से हमारे सड़कें बन रही है, जिस स्पीड से अगर आप इकोनॉमी की बात करें, डेफिनेटली वी हैव सरप्राइज्ड फ्रांस, वो भी उसमें भी कोई गलती नहीं है। वी हैव डेफिनेटली क्लाइम्ब द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी हैव क्लाइम्ब द रैंक्स, वी हैव डेफिनेटली कनेक्टेड ऑलमोस्ट 1685 विलेजेस टू द मेन रोड। ये सब आंकड़े हैं, ये सच नहीं, ये गलत है क्या? अगर आप IMF देखें, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की एस्टिमेट्स देखें, तो वो कह रही है कि अगले 2020-21 तक जो है इंडिया इज़ ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ GDP ग्रोथ 7.2%। को कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये ज़रूर सही है, हमारे देश में कभी सूखा आती है, कभी बरसात होती है, तो इतना होता है कि पूरा स्टेट जो है वो तब उन पर तबाही मच जाती है। बहुत बड़ा देश है, ऊपर नीचे थोड़ा होगा। लेट मी फिनिश वन वर्ड। एक सेकेंड, मुझे एक बात कहने दीजिए कि हरीश जी आप भी ये जानते हैं, इतने साल आप पावर में रहे हैं, कि आप नियत और नीति साथ में भी रखें तो भी आप देश को जो प्रॉमिस आप कर रहे हैं, जो बात आप कहते हैं, उससे थोड़ा बहुत फासला रह जाता है। ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे जो 72 ईयर्स का जो हिस्ट्री है उसमें 90% तो आप ही लोग क्षमता में थे। तो अगर ये सरकार जनता के मैंडेट से आके अच्छा काम कर रही है, तो पहले से लिखा हुआ, पहले से निर्णय की हुई बातें आप क्यों करें? वो 15 लाख वाली बात बहुत हो चुकी है। पीपल नो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत सारे नियम कानून हैं, आप बोलने से ही स्विस बैंक वाले हमको पैसा वापस नहीं करेंगे। द फैक्ट इज दैट वी आर परस्यूइंग दैट एंड वी आर रीचिंग अ प्लेस। अभी स्विस बैंक ने बताई है कि 2 लोगों का नाम बताया जिनका उसमें अकाउंट्स है, तो इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस, यू नो दैट मोर देन मी। बाबू सुप्रियो, आपने नीति और नियत की बात की, और ये जो नीति और नियत है, राहुल गांधी जी
लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, मुझे इतना दे दीजिए, लास्ट में थोड़ा गन की बात करूँ तो लेट मी शूट दिस। बोफोर्स के खिलाफ, बोफोर्स के अगेंस्ट में, बोफोर्स में जो सच्चाई है उसके अगेंस्ट में आप राफेल की के जो एलिगेशन से जो झूठ है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की कोशिश है कि अगर हमारे पास बोफोर्स है तो एनडीए के पास राफेल आ जाए। आप निर्मला सीतारमन जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको आप ओपनली लायर शब्द यूज करके कह रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट हरीश जी। द मैंडेट ऑफ द पीपल एंड द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग, यस यू कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज इन अ फ्यू एरियाज, दैट इज देयर, दैट विल ऑलवेज बी इन द गवर्नमेंट। तो एनआरसी जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है और इसको लेकर जो नीति है, नियत है, उसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और हाल ही में हरीश रावत जी को ये कार्यभार सौंपा गया है, असम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर करना है। तो हरीश रावत जी, आज का दिन है, आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए, आप क्या सरकार का समर्थन करते हैं एनआरसी के मुद्दे पर या आप ममता बनर्जी के स्टैंड का समर्थन करते हैं? देखिए, एनआरसी के मुद्दे पर दो चीज़ें हैं। एक तो एनआरसी इटसेल्फ, ये तो कांग्रेस ने की बीवी है, हमने एनआरसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, हमने 80% काम उसमें पूरा किया। ये तो भाजपा बच्चा चोर पार्टी है, कांग्रेस का कंसेप्ट उसको लेकर के उड़ी है, उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है। लेकिन हम जो बाबुल भाई को ये बताना चाहिए, क्या जो अमित शाह जी ने कहा है कि सब 40 लाख लोग जो एनआरसी से बाहर हैं वो घुसपैठिए हैं, क्या उसका वो समर्थन करते हैं? उनको बताना चाहिए। एक बात जो है, जो अभी बाबुल भाई कह रहे थे कि हम बोफोर्स का मामला तो समाप्त है, वो तो उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन बोफोर्स की तोप ने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पराजित करने में हमारी सेना की सेना के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और कोर्ट स्वयं कह चुके हैं कि बोफोर्स के केस में कुछ नहीं है। सर, अच्छा कमान है, बिल्कुल ताजा मामला है कि आपने 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा है, उसमें टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट नहीं है, आपने एचएल को कांटेक्ट से बाहर कर दिया है। वो सवालों का जवाब देना चाहिए। मुद्दा जो है वो कांग्रेस से ही आती है किसी न किसी बहाने से। फ्रेंच पार्लियामेंट में मेरा सवाल आपसे एनआरसी को लेकर था। खैर, मैं सत्यपाल सिंह जी को भी यहां पर जोड़ना चाहूंगी। और भारत की पार्लियामेंट को उसके कॉस्ट से जानने से वंचित किया जा रहा है। सत्यपाल सिंह जी, आप मुझे 2 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं सत्यपाल, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है हरीश रावत जी, मैं माफी चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर आज हम ये चर्चा कर पाए, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। एक सेंटेंस सतपाल जी कहें जी, उससे पहले मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूं, जरा सा उसको सुन लीजिए। ये भाजपा, मोदी जी भी और उनके मंत्रीगण भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को कि जो कुछ हुआ ये 4 साल में हुआ, जब से मोदी जी का अवतार हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। मतलब सब हाथ में हाथ धर करके घुइयां छिलते रहे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के मोरारजी देसाई तक सम्मिलित हैं, जिनमें इनके नेतागण मंत्री रहे हैं। तो ये जो जिस तरीके से पेंट किया जा रहा है देश के अंदर कि कोई काम नहीं हुआ, सब मोदी जी ने किया और मोदी जी ये चमत्कार लाए हैं, जबकि तथ्य बिल्कुल विपरीत हैं। सत्यपाल सिंह जी, से कहीं इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि ये चीजें जो है मोदी जी ने प्रारंभ की है। हरीश रावत जी, मैं आपसे माफी रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइंड अप करना होगा और उससे पहले मैं सत्यपाल सिंह जी के पास जा रही हूँ। सत्यपाल सिंह जी, ये जो एनआरसी के मुद्दे की हम बात कर रहे थे, क्या ये चुनावी नारा तय हो गया 2019 के लिए कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ना है? साथ ही आयुष्मान योजना और आपका अंतरिक्ष यान, परमानेंट कमीशन महिलाओं के लिए, ओबीसी कमीशन, किसानों के लिए 1.5 गुना एमएसपी, क्या इसी के सहारे क्या ये चुनावी नैया पार होगी? एजेंडा सेट हो गया है? देखिए, मैं 2 बातें करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से माननीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने 2019 के चुनाव जीतने के लिए कोई स्कीम, कोई योजना नहीं लाई। वो हमेशा कहते रहे कि 2022 तक, क्योंकि 75 साल हम इस देश की आज़ादी को हो जाएंगे, 75 साल में क्या हम इस देश के लोगों की गरीबी दूर कर पाएंगे, क्या सब लोगों के घरों पर छत होगी, क्या सबको जो है पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, सबके घरों में क्या पावर होगी। मोदी जी का लक्ष्य, सर हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि 2075, ये 2019 की ये तो जो है जिसको बाई प्रोडक्ट है, 2019 जीतने के पिछले 4 वर्षों में पब्लिक ने देखा है। और जहां आप जो एनआरसी की बात कर रहे हो, एनआरसी की बातें, मैं मुझे कुछ दिन जो हमारे एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट कमेटी थी उसका मुझे चेयरमैन रहने का एक मौका मिला जी। विशेष रूप से आसाम के अंदर जो समस्या है, ये जो है
चाहे 71 की बात हो, हमारा जो है मुजीब की और इंदिरा जी का हकों की बात रही हो, सत्यपाल सिंह जी, आज आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है और मैं चाहूंगी कि एक पॉजिटिव नोट पर मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। मैं आपसे माफी चाहती हूं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक यहां पर लेना होगा। लेकिन बाबुल सुप्रियो जी, आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन देशभक्ति में सराबोर है लोग, तो चलते चलते बस 10 सेकेंड आजादी का एक तराना अगर आप गुनगुना दे तो उसी के साथ हम ब्रेक ले लें। नहीं, मैं आज़ादी का तराना नहीं गुनगुनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दे पे आप डिस्कशन कर रहे हैं और अगर आपको इतनी जल्दी हो तो ये टॉपिक जो है उछालना नहीं चाहिए। मैं बड़े आप ब्रेक पे जाइए, लेकिन हमारा हार्ट ब्रेक भी मत कीजिए ना, मुझे एक लास्ट लाइन कहने दीजिए। गवर्नमेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गवर्नमेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रावत साहब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्लीज रेफर टू प्राइम मिनिस्टर स्पीच इन द पार्लियामेंट वेरी सेड कि मैं नहीं कहूंगा कि आपने जो काम शुरू की थी हम उन्हें खत्म कर रहे हैं, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी वो हम कर रहे हैं। लेकिन हरीश जी अगर जैसे वरिष्ठ नेता अगर बच्चा चोर जैसे शब्द यूज करेंगे तो आने वाले पॉलिटिशियंस क्या सीखेंगे। एनआरसी के मुद्दे पे 28 अक्टूबर से एक नया प्रक्रिया शुरू हो रहा है। मैं हरीश जी को हाथ जोर से विनम्रता से कहूंगा कि आप सरकार को हेल्प करिए ताकि घुसपैठियों को कोशिश करेंगे मैं फिर से आपसे माफी मांग रही हूं, क्योंकि बहुत ही ये संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दों पर हम यहां बात कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम फिर से एक और पैनल डिस्कशन करें इस मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।